ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି 108 ଫୁଟର ଅଗରବତୀ, ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଖବର ଦେଖାଉଛୁ। ଯିଏ ଏଇ 108 ଫୁଟର ଅଗରବତୀକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ନେବା ଯେ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅଗରବତୀ ଏବଂ କାହିଁକି ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଜି ଭାଇ ସାହେବ, କ୍ୟା ନାମ ହେ ଆପକା, ଆପକା ଇଏ ଯୋ 108 ଫୁଟ କି ଯୋ ଅଗରବତୀ ଆପ ବନାଏ ହେ, କ୍ୟୁ ବନାଏ ହେ, କିତନେ ଦିନ ଲଗା? हां, प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण हुआ है और हजारों साल के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी 2024 को जब उनके निजी स्थान में पधार रहे तो उनकी खुशी के लिए पूरे भारत देश नहीं पूरे विश्व के अंदर से जनता आके या यज्ञ नहीं कर सकती है। तो हमने सोचा कि पूरे भारत और पूरे विश्व की ओर से ऐसी एक धूपसली अगरबत्ती बनाए के जो अयोध्या में प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित करें। क्यों कि इसको हम 108 फुट अगरबत्ती भी बोलेंगे और 108 कुंडी यज्ञ भी बोलेंगे। क्यों कि इसके अंदर 3610 किलो हवन सामग्री लगी है। गिर गाय का घी है, जौ है, तल है, सारी पूरी हवन सामग्री लगी हुई है। इसको मनाने के अंदर 6 महीने का वक्त लगा है और ये जो अगरबत्ती है उसकी लंबाई 108 फीट है, 3.5 फुट इसकी गोलाई है। और जब ये अयोध्या रामनगरी में इसको प्रज्वलित किया जाएगा तो 50 किलोमीटर का एरिया ये कवर करेंगी। 50 किलोमीटर के अंदर जो इसकी ऊर्जा है उससे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका विनाश करेंगी। ये कितने समय तो आपको कितने देर लगा ये बनाने के लिए और क्या खासियत तो आप बता रहे थे इसका खासियत, लेकिन ये कितनों किलोमीटर तक ये स्मेल आ सकता है? आपको बनाने में जो दिक्कतें कुछ हुआ है, ये लाने में कुछ दिक्कत हुआ है या फिर प्रभु की कृपा थी अब आ गई आपके पास? नहीं, ये अगरबत्ती का काम हमने जून जुलाई 2023 में चालू किया था तो उसका आधा काम हो गया था। फिर बारिश का टाइम था, इतनी बड़ी धूपसली अगरबत्ती को सुरक्षित रखना हमारे सामने बहुत बड़ी कठिनाई थी, मगर प्रभु राम की कृपा हुई, बजरंगी दादा ने कृपा किया तो हमारे अगरबत्ती 4 महीना बारिश में सुरक्षित रही। बारिश कम होने के बाद में दोबारा इसका काम शुरू किया गया तो दिसंबर लास्ट में इसका काम पूरा संपूर्ण हो गया। फिर उसको एक ट्रेलर भाड़े पर लिया, फिर इसके अंदर रथ बनाया और आप जो पैकिंग दिख रहे हैं वो उसका करीबन खर्चा जो है जो अगरबत्ती को पैकिंग रखा हुआ है उसका 3 से 3.5 लाख रुपया है। टेलर का जो खर्चा है वहाँ से यहाँ तक वो पूरा जो हमारे मुंबई सुपर कंपनी है उसने जुम्मा लिया था कि भाई बड़ौदा से अयोध्या तक इस धूपसली अगरबत्ती को हम पहुँचा देंगे। हाँ, इसका अयोध्या गुजरात से यहाँ तक पहुँचाने का 20-25 लाख रुपया खर्चा हुआ है। जो अगरबत्ती बनाई है धूपसली वो मैंने अकेले ने बनाई है, इसके अंदर हमने किसी को पैसा नहीं लिया है। 5 लाख इसकी बनाने की लागत लगा है। पहले भी कुछ ऐसे अगरबत्ती बनाते थे या फिर ऐसे ही दिमाग में आया कि प्रभु रामलाला के लिए ये समर्पण भाव में बनाए गए? 2016 के साल में हमने 121 फीट का अगरबत्ती बनाया था और जो उज्जैन महाकाल की नगरी में कुंभ लगा था उसके अंदर हमको उसको प्रज्वलित किया था। हर रोज़ 80 से 90 हज़ार भक्त आते थे, उधर दर्शन करते थे, परिक्रमा करते थे। तो हमने पहले बनाया था ऐसा, तो हमने सोचा कि इतना बड़ा जब भव्य प्रोग्राम हो रहा है, प्रभु राम लला उनके निजी स्थान में आ रहे हैं, पूरे भारत देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर दिवाली मनाई जाएंगी, आज तक जो भी दिवालियाँ हुई है उससे सबसे बड़ी ये दिवाली 22 तारीख को पूरे भारत और विश्व में होगी। बहुत ऐसे सारे अगरबत्ती आप बनाए होंगे लेकिन ये जो अगरबत्ती ये सब विश्व देखेगा ये अगरबत्ती को, क्योंकि भव्य राम मंदिर अब बनने जा रहा है, अब प्रतिष्ठा भी हो गया होगा 22 तारीख को और 23 तारीख को सभी लोग देख रहे होंगे और दिवाली भी दो मनाया जाएगा, तो आत्मसंतुष्टि कितना है ये बनाकर? नहीं, अभी जब हम गुजरात से निकले ये पूरा रथ की शोभा यात्रा लेके तो प्रभु राम श्री ने समुद्र में सेतु बनाया था तो गुजरात से अयोध्या तक राम भक्तों और जनता ने एक बहुत बड़ा सेतु बनाया। क्यों लाखों पब्लिक हमारे साथ जुड़ी थी रथ
और हर जगह पे ये रथ का और अगरबत्ती का स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ा डीजे के साथ किया गया। यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो लाखों करोड़ जो गुजरात भारत देश की जनता है और राम भक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी भावना है, बहुत बड़ा अभी उत्सव है। बहुत जगह पे हमने देखा है, बहुत लोग भावुक हो गए, उसके आँख में से हमने आंसू भी देखा है। क्यों? कि हमारे रामलला आज हजारों साल के बाद उनके निजी स्थान पे आ रहे हैं। ट्रस्ट ये मंदिर वालों से क्या कुछ बातचीत हुई आपसे कि 22 तारीख को ये लगने वाला है प्रतिष्ठा दिवस के तौर पर या फिर उसके बाद ही ये लगाएंगे, कुछ ऐसे बातचीत हुई आपसे? जो हमारे बड़ौदा के सांसद हैं रंजन बेन भट्ट, उनने यहाँ के प्रशासन के साथ, ट्रस्ट के साथ और यूपी सरकार के साथ भी बातचीत किया, लेटर से भी उनको जानकारी दी, और जो यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल उससे भी हमारी भेंट करवाई, अयोध्या ट्रस्ट मंडल से हमारी भेंट करवाई, यहाँ के जो डीएम हैं उनसे भी हमारा भेंट करवाया, और हमको उनने लिखित में परमिशन दिया है। मगर अभी जहाँ पे हमको जगह दिया है उस जगह पे उन लोगों का कोई दिक्कत है, इसके लिए अभी ये अगरबत्ती कहाँ रखना है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टेलर है, इतना बड़ा रथ है, वहाँ ले जाना है, उसको जब नीचे उतारेंगे तो 5 हाइड्रो लगेंगे, उसके लिए जगह चाहिए। तो अभी एक मीटिंग होने वाली है प्रशासन के साथ, और हमारे सांसद भी जो रंजन बेन भट्ट है वो भी उनके साथ बातचीत करेंगी। बड़ौदा से हमारी जो इसकी कमेटी है, रेवा भाई, सगराम भाई, मोहन भाई, वो सब लोग वहाँ से निकले हैं बड़ौदा से, यहाँ आ जाएंगे, मीटिंग करेंगे। और अगरबत्ती 45 दिन तक चलेगा ये बोल रहे थे? नहीं, ये अगरबत्ती है उसका प्रज्वलित हम जलाने की बात नहीं करेंगे, जलाना शब्द बहुत अलग होता है, प्रज्वलित करना है। तो ये अगरबत्ती को प्रज्वलित करने का दो विधान है, एक जैसे अपन घर में अगरबत्ती जलाते हैं इस तरह को आप इसको प्रज्वलित करेंगे तो 1.5 महीना तक कंटिन्यूस चलेंगी, और ज्योति की तरह ये कि यज्ञ की तरह इसको अपन प्रज्वलित करेंगे तो 21 दिन तक प्रज्वलित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे। शुणुले जी अयोध्या आसी क्षमा करेंगे गुजरात रु आसी अयोध्या बर्तमान अयोध्या पहुँची और अयोध्या बर्तमान से जो 108 फुट अगरबत्ती से तैयारी वर्तमान अयोध्या पहुँची सारी कि तीर्थक्षेत्र राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट सहित कथबार्ता हो सारी से सहित कि एवपर्यंत कौन सी जगह स्थिर कराई जेहेतु आम चित्र मध्यम देखुलूँ 108 फुट लंब रही तैयारी पखापाखी 6 मास समय लगी 45 दिन पर्यंत जमी कौन 45 दिन पर्यंत यह प्रज्वलित रहीपर और कहुच 10 किलोमीटर रु अधिक पर्यंत यार खुशबू जो स्मेल रही रहीपर और बड़ कथा हूँ सब गोबर एवं जो घी एवं जहाँ जहाँ रासायनिक द्रव्य को छाड़ी से सब व्यवहार कर 108 फुट अगरबत्ती या अयोध्यावासी यहाँ बेस खुशी अच्छा जदि यह रामलला प्रतिष्ठा दिवस लगि पारे न लगि पारे ता तो सुनिश्चित होना कि जी बनई खुशी कहले न सर। अयोध्या कैमरा पर्सन सुमन साहू के साथ स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।